देखिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे आप भी अपने फोन में यूज करते होंगे क्रोम ब्राउजर का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेव ब्राउजर के बारे में कि आपको कौन सा ब्राउजर आपको यूज करना चाहिए और आपका फोन गर्म ना हो या फिर आपका फोन हैंग ना हो, आपका फोन वायरस भी ना आए, तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आपका डेटा है ना, जैसे कि आप आपके फोन में डेटा आता है 1 GB 2 GB 1.5 GB आता है आपके फोन में, वो मतलब बहुत जल्दी खत्म ना हो, तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो देखिए पहले मैं आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि वाला जो वीडियो बना क्यों रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ कि आपका डेटा कम खत्म हो। लेकिन अगर जैसे कि हम बात करते हैं क्रोम की, जैसे बात करते हैं जैसे कि अपने फोन में आप क्रोम का यूज करते हैं फोन के अंदर, तो यहाँ पे आपका डेटा जल्दी खत्म होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप जैसे मतलब कोई आप वेबसाइट खोलते हैं, तो यहाँ पे जो वेबसाइट आप खोलते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपको काफी सारे ऐड दिखने में, जैसे कि यहाँ पे आपको ऐड दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले लाइव के साथ में। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलते हैं, जो कि जो ऐड होते हैं एकदम हाई क्वालिटी के ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में बताऊं, तो जैसे कि मतलब आपने कभी अपने यूट्यूब चलाया हुआ है, जो चलाते हो सभी लोग, तो यहाँ पे आप जैसे क्वालिटी सेट करते हैं 360p 240p यहाँ पे सेट करते हैं, HD क्वालिटी यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये एड चलते हैं ना, जो ये एड होते हैं कम से 4K क्वालिटी, जो कि HD से भी हाई क्वालिटी के एड होते हैं, जो कि आपका डेटा ना जैसे कि मतलब कि जो अगर यहाँ पे ऐड चल जाते हैं कम से कम आधे घंटे तक ना, तो आपका 1 GB डेटा पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, क्योंकि ये जब बहुत हाई क्वालिटी ऐड होते हैं तो आपका डेटा बहुत जल्दी खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखने बात को। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आप जो वेबसाइट खोल रखे हैं और यही वेबसाइट आप अपने ब्रेव ब्राउजर में खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको एड देखने को मिलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने अपने फोन में ब्रेव ब्राउजर यहाँ पे खोल रखा है मैंने सामने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब आपको ऐड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए वेबसाइट खुली हुई है सेम, और सेम वेबसाइट यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड ब्लॉकिंग की सुविधा मिलती है आपको ब्रेव जो कि ब्राउजर इसके अंदर मिलती है आपको, लेकिन आपको क्रोम में नहीं मिलती है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और आपको कुछ से कोई बताएगा नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। और देखिए पहले हम बात करते हैं जैसे कि आपका फोन जैसे कि गर्म होता है, सीधी बात है तो फोन तो ये गर्म होते हैं सभी लोगों के, लेकिन आपका फोन जैसे कि अगर जैसे अपने फोन में क्रोम यूज करते हैं, लेकिन क्रोम के ऐसे जो ब्राउजर है यहाँ पे मतलब आपको काफी सारे नोटिफिकेशन देखने मिलते हैं, जो बिना फालतू के जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपके फोन के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। और यहाँ पे मतलब आपको काफी सारी जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो प्रोसेस होती है, जो कि आपके फोन में चलता रहता है क्रोम ब्राउजर, तो भी मतलब आपके फोन जैसे कि थोड़ा मतलब गर्म हो जाता है फोन, ऐसा होता है ना जो कि आप क्रोम यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं ब्रेव ब्राउजर की, जो कि इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जैसे मतलब जो भी मतलब आप काम करते हैं अपना, जो मतलब आपने सर्च वर्च करा, जो भी मतलब आपने काम करा ब्रेव के अंदर, तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली मतलब बंद हो जाता है, सीधी बात है। लेकिन ऐसा क्रोम ऐसा नहीं करता है, क्योंकि क्रोम को मतलब डेटा आपका चाहिए होता है, जैसे कि आपके फोन में MB जो आप यूज करते हैं चलाते हैं, वो इसको मतलब कि लेता है, खत्म करता है, जल्दी खत्म करता है। लेकिन आपका ब्रेव ब्राउजर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एड ब्लॉकिंग की सुविधा यहाँ पे मिलती है, जो कि यहाँ पे आपको एड देखने नहीं मिलते हैं। और देखिए पहले हम बात करते हैं जैसे कि मतलब आपने कभी देखा होगा अपने फोन में, जैसे तो आपके फोन में ऐसा भी होता है कि आपने जैसे मतलब अपने फोन चार्ज में लगाया, तो फोन आपने चार्ज में लगा दिया, लेकिन आपका फोन जैसे गर्म हो जाता है, या फिर आपका फोन जैसे कि आपकी बैटरी गर्म हो जाती है फोन की, या फिर जैसे आपका फोन थोड़ा मतलब स्लो चार्ज होता है, तो जानते क्या होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि आपके फोन में काफी सारे एप्स भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें से अगर क्रोम ब्राउजर आपके फोन में है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर में से आप कोई वेबसाइट खोलते हैं वो अपने आप आपके सामने खुल जाती है, लेकिन वेबसाइट मतलब कोई सी भी हो कैसी भी हो, लेकिन वहां से आपको आपके फोन में वायरस आ सकते हैं फोन के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके मतलब क्रोम में ये सब आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, आप जैसे कि अपने फोन में ब्रेव ब्राउजर यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो वेबसाइट खुलेगी, लेकिन जो वेबसाइट मतलब गलत है, जैसे कि यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे आपके फोन में वायरस आ सकते हैं, तो वो वेबसाइट यहाँ पे नहीं खुलती है, क्योंकि आपको ब्रेव ब्राउजर में ऐसी सुविधा यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और भी काफी सारी जो बातें बताऊं आपको जब मिला जुला के, कि मतलब आपके लिए कौन सा मतलब बेस्ट ब्राउजर रहने वाला, सीधी बात है भाई, ये तो टाइम पे एकदम आया, सीधी बात है। लेकिन आपको इसी तरह जैसे मतलब आपको अगर डेटा बचाना है अपने फोन का, तो आप ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हैं, ब्रेव वाला जो कि आपके इधर सामने आता है। लेकिन अगर भैया आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, खर्च नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, खर्च कर रहे हैं क्या क्या फर्क पड़ता है, तो आप ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका फोन जैसे गर्म ना हो या फिर आपकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो, तो आप अपना ब्रेव ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको बैकग्राउंड में नहीं चलता है, मतलब कि
मतलब जो आप काम करते हैं अपने बंद हो जाएगा अपने आप तुरंत ही, लेकिन आपका क्रोम ऐसा नहीं है, ये तो भैया बैकग्राउंड में चलता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप खुद समझ गए होंगे कि आपका डेटा कम खत्म होगा तो आप अपना ब्रेव यूज कर सकते हैं, ब्राउजर ब्रेव वाला। और आपको जैसे कि अगर आपको डेटा जैसे बचाना नहीं है तो आप क्रोम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया।